पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर ड्राई वेदर रहा है। फुलवानी और राउरकेला में डेंस फॉग ऑब्जर्व की गई है। भवानी पटना में मॉडरेट फॉग ऑब्जर्व की गई है। सबसे कम जो नाइट का तापमान रहा है, रात का तापमान फुलवानी में 8.5 डिग्री से ऑब्जर्व किया गया है। उसके बाद हिल स्टेशन में जो जी उदयगिरी जो कि एक एम एफ हिल स्टेशन है, वहाँ 8.4 डिग्री से दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर में 15.7 और कटक में 15 डिग्री से निम्न तापमान दर्ज किया गया है। इनके अलावा जो दारिंगबाड़ी में 10.5 डिग्री से, राउरकेला में 10.7 डिग्री से, झारसुगुड़ा में सुंदर भी 11.3 डिग्री से न्यूनतम तापमान जो है दर्ज किए गए हैं। अगर हम बात करें 24 आवर चेंज की, सबसे अधिक चेंज है राउरकेला में देखा गया है। वहाँ पे तापमान 1.5 डिग्री से नीचे गिरा है कल के मुकाबले। बोध में भी -1.3 डिग्री से चेंज देखा गया है। जाजपुर में पॉजिटिव में 1.5 डिग्री से, पारादीप में 0.8 डिग्री से पॉजिटिव में चेंज देखा गया है। भुवनेश्वर में 0.5 डिग्री से नेगेटिव और कटक में कोई चेंज नहीं देखा गया है। अगर हम बात करें सामान्य से जो तापमान है कितने ऊपर नीचे चल रहे हैं, सामान्य से जो नीचे जा रहा है, जो अंगुल में 3.8 डिग्री से नीचे चल रहा है सामान्य से, और झारसुगुड़ा में -3 डिग्री से, भवानीपटना में -2.4 डिग्री से नीचे चल रहा है। प्लस में जो संबलपुर में 0.9 डिग्री से ऊपर चल रहा है, पर बारीपदा में 0.8 डिग्री से प्लस में चल रहा है। भुवनेश्वर में अभी सामान्य से 1.2 डिग्री से कम है तापमान, जो मिनिमम तापमान। कटक में 0.8 डिग्री से कम चल रहा है। फिलहाल उड़ीसा में कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन नीचे जो डिप्रेशन बना हुआ है वो साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा। तो आने वाले दिनों में जो उसके सिस्टम प्रभाव की वजह से और जो वेस्टर्नली ट्रफ की वजह से वेदर उड़ीसा के ऊपर रहेगा, उसमें भी डे वन में ड्राई वेदर रहेगा। 27 तारीख को, 28 तारीख को भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, गंजम, गजपति इन डिस्ट्रिक्ट में हल्की वर्षा होने की संभावना है। 29 तारीख को कोस्टल उड़ीसा, पूरा, मयूरभंज, मंजर, रायगढ़, कोरापुर, मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद 30 तारीख को मयूरभंज, कोस्टल उड़ीसा, पूरा, रायगढ़, कोरापुर, मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसके अलावा बाकी दिन 5-7 जो वेदर है वो ड्राई वेदर रहने की संभावना है। डे वन डे टू में शैलो टू मॉडरेट फॉग भी होने की संभावना है, जिसमें सुंदरगढ़, क्योंझर, कंधमाल, कालाहांडी ये सब डिस्ट्रिक्ट में 1-2 स्थानों पर शैलो टू मॉडरेट फॉग हो सकती है। टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है अगले 3 दिन में 2-4 डिग्री तक बढ़ेगा, क्योंकि सिस्टम भाग से बादल आ जाएंगे। बादल जो है जो रात के तापमान को बढ़ाने में मदद करेंगे। उसके बाद में जो दो सबसे दो दिन है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है।